हेलो बच्चावाड़ी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ तुम लोगों की क्लास का शेड्यूल, क्योंकि तुम लोगों को पता है 1 अप्रैल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर लाइव क्लासेस अगेन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे को पता है मैं बहुत टाइम से तुम लोग से कनेक्ट नहीं कर पाया, बट क्या करे, टाइम नहीं होता है ना आदमी के पास। तो टाइम नहीं होता तो कहाँ से लेके आऊँ, तुम लोग दोगे क्या अपना टाइम मेरे को? यस भैया, हम कल से हम आपको अपना टाइम देंगे। तो यस, क्योंकि तुम टाइम देने के लिए रेडी हो और अब मैं भी टाइम देने के लिए रेडी हूँ तुम लोगों को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लाइव क्लासेस फ्रॉम 1 अप्रैल गाइस। इसी बात पे लाइक ठोक दो, ठीक है? और मैं तुम लोगों को फटाफट से शेड्यूल बता देता हूँ। सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चे विदाउट एनी डिले स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि स्कोरिंग पोर्शन है, मैथ से ज्यादा स्टैट जो है वो हम लोगों को मार्क्स दिलाता है एग्जाम के अंदर, और इवन ज्यादा मार्क्स का भी आता है, 60 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन आता है। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स हम लोग पहले कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसके एमसीक्यू आजकल ट्रिकी हो जा रहे हैं थोड़े से। कोरिलेशन जो है, रिग्रेशन है, उसके जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो तुम लोगों को लाइव क्लास में डील कराना जरूरी है। तो इस वजह से मैं स्टैटिस्टिक्स पोर्शन तुम्हारा पहले कवर करने वाला हूँ। और मैं एक चीज क्लियरली बता दूं तुम लोगों को, दिस इज सीएमए एक्सक्लूसिव सेशन। बिकॉज क्या होता है ना, मतलब समझना तुम लोग, सीए एग्जाम होता है उसपे भी एमसीक्यू आता है, सीएमए एग्जाम होता है उसपे भी एमसीक्यू आता है। जब अपन रेगुलर पढ़ाई करते हैं ना, तो हम क्या करें, रेफरेंस बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं, हम सीए की मॉड्यूल से क्वेश्चन कर सकते हैं, हम सीएमए की मॉड्यूल से क्वेश्चन कर सकते हैं, हम इधर उधर से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बट जब बात आती है फर्स्ट रिवीजन की, समझना, क्रूशियल स्टेज है ये। जब फर्स्ट रिवीजन की बात होती है ना, तो हमको कंप्लीटली रिलाई करना होता है हमारे कोर्स के ऊपर। तो सीएमए कोर्स के अंदर जो मॉक टेस्ट होते हैं, उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरे को पता है, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वेराइटी क्या है, ट्रेंड एनालिसिस मैंने कर लिया, सफिशियंट अटेम्प्ट हो गए हैं एनालाइज करने के लिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब तुम लोगों के पास दिमाग है, अब तुम लोग चाहते हो, देखो बात होती है क्वालिटी की, बात होती है, मैं अपनी क्वालिटी की गारंटी ऐसे दे सकता हूँ कि मेरे बच्चे 300 के ऊपर मार्क्स, 350 के ऊपर मार्क्स लेके आ रहे हैं सिर्फ ब्लाइंडली मेरे को फॉलो करके। तो क्वालिटी का जो डंका बजाऊंगा ना मैं, वो ऐसे बजाऊंगा कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्वालिटी क्यों आ रही है मैं तुमको ये बताता हूँ, क्योंकि जो भी चीजें कराई जाती है प्रॉपरली बैक्ड बाय रिसर्च है, प्लस एग्जाम क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है तो पढ़ाई एमसीक्यू ओरिएंटेड होती है। दूसरा ये कि मैं कोशिश करता हूँ कि जब फर्स्ट रिवीजन कराऊं तो इट इज गोना बी अ सीएमए एक्सक्लूसिव सेशन, नॉट एनी सीए स्टूडेंट इन्वॉल्व हियर एंड नॉट एनी सीए स्टूडेंट इन्वॉल्व हियर, ये एक सीएमए एक्सक्लूसिव सेशन होना चाहिए। इसलिए मैं तुमको ये बोलना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन होगा, मैथ्स, अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, एमसीक्यू करेंगे, इकोनॉमिक्स, इतनी चीज हम लोग लाइव क्लास के अंदर कवर कर रहे होंगे और इसी सीक्वेंस में कर रहे होंगे। प्रोवाइडेड मैं एक चीज तुम लोग को बता दूं कि बीच बीच में हो सकता है कि मैं एमसीक्यू इकोनॉमिक्स के कराऊं, क्योंकि मेरा इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू बहुत बड़ा पोर्शन कराना पड़ता है मेरे को, क्योंकि इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू सीएमए मॉड्यूल के अंदर सफिशियंट नहीं है। तो मेरे को बिट्स क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना बना के किधर किधर से भी अरेंज करके तुमको कराने पड़ते हैं, क्योंकि फिर इकोनॉमिक्स पे तुम मार खा जाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? मैनेजमेंट इज कंपैरेटिवली इजी और मैनेजमेंट में बहुत सारे एमसीक्यू है मॉड्यूल के अंदर, पर इकोनॉमिक्स में मैं कराऊंगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एमसीक्यू, और सीएमए मॉड्यूल को प्रायोरिटी मिल रही होगी यहाँ पर। तो इससे एडवांटेज क्या होगा, दो एडवांटेज होगा, एक तो मॉड्यूल से क्वेश्चन आते हैं, तुमको पता होगा एग्जाम में, वेट अ मिनट, तुमको पता होगा एग्जाम में जो 60% क्वेश्चंस आते हैं, 60% ऑफ द क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी फ्लैट फ्रॉम मॉड्यूल। यस, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन होंगे तुम्हारे पास, तो तुमको वहां पर एक एस मिलेगी। दूसरा चीज ये, मॉड्यूल करते टाइम अगर तुम कर चुके हो, मेरे को पता है मेजोरिटी बच्चे नहीं किए हैं, बट अगर कर चुके हो तो तुमको डाउट्स भी आए होंगे तो वो भी क्लियर होगा। साथ के साथ तुम्हारा भाई फर्स्ट रिविजन पावरफुल होना चाहिए, और मेरे से पावरफुल फर्स्ट रिविजन कोई नहीं करा सकता, क्योंकि सेशन का नाम ही है गॉड और वॉट, ठीक है? तो ये सीएमए फाउंडेशन वाले का शेड्यूल था। सीएमए इंटर वाले बच्चों, एज पर स्टूडेंट्स डिमांड में तुम लोगों को बोला था तुम्हारा रिवीजन में कराने वाला हूं, तो ये रहा एज पर स्टूडेंट डिमांड। अंजलि निगम ने कमेंट किया था और इस कमेंट को मिले हैं सबसे ज्यादा लाइक्स और सबसे ज्यादा +1 वाले रिप्लाई। तो अगर मैं इस दोनों को ऐड करूं तो ये वाला कमेंट जीत जाता है। तो इस हिसाब से सीक्वेंस डिसाइड होता है कि सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने वाले, इसके अंदर दो सेगमेंट कवर होगा, एक होगा कवर तुम्हारा बैड डेट्स का सेशन, ठीक है, और फिर तुम्हारा दूसरा होगा क्वेश्चंस फुल फ्लेज क्वेश्चन का, क्वेश्चन फ्रॉम फुल लेंथ, ठीक है? फिर उसके बाद एनपीओ करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ में सबसे ज्यादा डराने वाला पोर्शन क्या है, सबसे ज्यादा डराने वाला, अच्छा फाइनल अकाउंट्स में भी ना एक पोर्शन डराने वाला है, क्या, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रूअल बेसिस से कैश बेसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बच्चों को डाउट आता है इसमें, तो ये चीज लाइव क्लास में कवर होगी तो मजा आ जाएगा तुमको। फिर हम कवर करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एनपीओ में क्या प्रॉब्लमेटिक है। एनपीओ का प्रॉब्लम मैं तुमको बताता हूँ, जब क्वेश्चन तुम आर एंड पी देता है और इनकम एक्सपेंडिचर बनाने बोलता है, तुम छिल लो, मैं बना लूंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बट जब क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर देके बोलता है आर एंड पी बना लो, फंस गए। तो यहां से फंसने की निंजा टेक्निक, यानी कि बाहर निकलने की निंजा टेक्निक मैं तुमको कराऊंगा। पार्टनरशिप पोर्शन क्या बोलू, कोई कमेंट है इसके ऊपर?
नहीं तो पार्टनरशिप का पोर्शन करना है, सेल बैलेंसिंग लेजर, रॉयल्टी, हायर परचेस, ब्रांच एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूँ। क्यों चेंजेस करना चाहता हूँ मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ तो मैं करा दूंगा फर्स्ट और सेकंड नंबर पे। क्यों? क्योंकि देखो फाइनल अकाउंट्स एनपीओ वन ऑफ दोस चैप्टर जो तुम लोग फाउंडेशन में भी पढ़े हुए, तो तुमको फ्लो स्टेट में आने में हेल्प करेगा। रिविजन सीरीज का जो फ्लो स्टेट है ना, उसमें आने में ये दोनों चैप्टर हेल्प करेंगे। बट इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हम लोग ब्रांच एंड डिपार्टमेंट कर ले। तुम बताना कमेंट सेक्शन में सही बोल रहा हो कि नहीं, ठीक है। और ब्रांच एंड डिपार्टमेंट के बाद हायर परचेस, हायर परचेस के बाद में सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, देन रॉयल्टी, ऐसा करें। और लास्ट में पार्टनरशिप करें। मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं तुमको इसका रीजन बता सकता हूं। रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि पार्टनरशिप अकेला पोर्शन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और कितने मार्क्स का आएगा? 10 से 15 मार्क्स ऑन एन एवरेज। 15 मार्क्स को क्रॉस कर ही नहीं सकता, 10 से 15 मार्क्स। तो तुम खुद सोच के देखो कि जितना टाइम पार्टनरशिप को अकेले लगेगा, उतने टाइम में, अप्रॉक्सीमेटली उतने टाइम में सारे चैप्टर हो जाएंगे। और अगर तुम ये सारे चैप्टर को मिला लो तो तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 मार्क्स का कवरेज कर लेगा ये चैप्टर। तो अब तुम खुद बताओ, तुम सेम टाइम इन्वेस्ट करके 15 मार्क्स लेना चाहते हो या सेम टाइम इन्वेस्ट करके 40 मार्क्स लेना चाहते हो? बी रैशनल गाइस। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फाइनल अकाउंट्स एनपीओ के बाद मैं ये चैप्टर्स कराऊंगा कुछ इस प्रकार से, सीक्वेंस में कराऊंगा, रिवर्स सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये तुम्हारा पूरा मुद्दा था क्लासेस का 1 अप्रैल से। अब मैं डिटेल्स थोड़ा सा दे दूं क्लासेस किस प्रकार से होने वाली है। तो डेफिनेटली क्लास तुम्हारी सेकंड हाफ में होगी, और मेरे ऑफिस की टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारी क्लास कितने बजे होगी। लेकिन मैंने जो एक जेनरिक टाइम डिसाइड किया है, जिसमें ऑन एन एवरेज उसी टाइम पे क्लास होगी, वो है तुम्हारी 7 बजे से 8 बजे तक और 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। जिसमें फॉर श्योर मैं तुमको ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि रोज इंटर की क्लास हो रही होगी या रोज फाउंडेशन की क्लास हो रही होगी। तो मैं बता दूं, हो सकता है साइमल्टेनियस क्लास हो, मतलब एक दिन फाउंडेशन एक दिन इंटर, एक दिन फाउंडेशन एक दिन इंटर। इससे तुमको एक दिन का टाइम खुद भी रिवाइज करने को मिल जाएगा। सेकेंड चीज ये, क्योंकि अभी हमारे पास सफिशियंट टाइम है और लाइव अटेंड करना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत से भी ज्यादा जरूरी वाला जो कुछ होता होगा ना, वो है लाइव अटेंड करना, इतना जरूरी, ठीक है। सेकेंड चीज ये, जिस दिन मेरे को लगेगा कि मेरे को डबल सेशन लेना है, एक फाउंडेशन का लूंगा एक इंटर का लूंगा, कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन फाउंडेशन फाउंडेशन या इंटर इंटर वाला सेशन होगा। एक्सेप्शनल केसेस आर देयर ऑब्वियसली, बट ऐसा कोई दिन नहीं आ रहा होगा। बट मैं तुमको ये बताना चाहता हूं कि दिन का एक घंटा इन्वेस्ट करके तुमको जो आउटकम मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का है। और ये बात सिर्फ गारंटी की होती है, मतलब कॉन्फिडेंस होता है ना, पता है कि क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और करने वाले। तो इसीलिए बता रहा हूँ, दिन का एक घंटा इन्वेस्ट करना होगा 7 से 8, 8:30 से 9:30। ऑब्वियसली क्लासेस जो होंगी वो हमारे अपने खुद के प्लेटफॉर्म में होगी, जो कि है अन अकेडमी का हमारा CMA। तुम लोगों को पता है अन अकेडमी में, क्योंकि अन अकेडमी के इंटरफेस से हम लोग बेस्ट फैमिलियर है, वहाँ का चैट सपोर्ट इज वेरी फास्ट, ठीक है, लेटेंसी कम रहती है। तो वो सब एडवांटेजेस की वजह से अन अकेडमी प्रीफर करता हूँ मैं। लाइव क्लासेस जब भी मेरे को लेनी होती है तो मैं अन अकेडमी की लाइव क्लास लिस्ट कर दूंगा। और मैं तुमको दो ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, CMA फाउंडेशन, ठीक है, और CMA इंटर। सबसे ऊपर में ही दो लिंक होगी टेलीग्राम ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की सबसे ऊपर में दो लिंक होगी, एक CMA फाउंडेशन ग्रुप टेलीग्राम का और एक CMA इंटर ग्रुप टेलीग्राम का, अन अकेडमी की क्लासेस की लिंक आने के लिए और नोट्स आने के लिए। कौन सी दो चीज फिर से बोलो? अन अकेडमी की क्लास का लिंक आने के लिए और नोट्स आने के लिए। तो प्रत्येक बच्चा जो इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है, अगर तुम ये ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते हो तो तुमको डिसएडवांटेज, तो ग्रुप तो ज्वाइन कंपलसरी करना ही है। प्ले स्टोर में जाओ, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, ठीक है, प्ले स्टोर में जाना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उस लिंक को क्लिक करना है, तो तुम टेलीग्राम ऐप में चले जाओगे, ग्रुप को ज्वाइन कर लो फटाक से। इसके अलावा मैं रोज शॉर्ट्स बना के तुम लोगों को अपडेट दे ही दूंगा विद द टॉपिक, कि कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं लाइव क्लास के अंदर पे। तो शॉर्ट्स बना बना के डाल दी करूंगा, ताकि तुमको एक रिमाइंडर आ जाए दिन के शुरुआत में ही कि आज ये टॉपिक होने वाला है अपने तरफ से, ताकि तुम रेडी रहो चीजों के, ठीक है। बाकी रिवीजन के प्रॉपर नोट्स बनने चाहिए, नोट्स मैं बनाऊंगा रिवीजन के, तो तुमको भी प्रॉपर नोट्स बनाना है। ये वही वाले नोट्स होंगे जो मैं बोलता हूँ ना, 10% पेजेस पे ले आओ अपने रिवीजन के नोट्स को, बस वही वाले नोट्स मैं बनवाने वाला हूँ। तो ये तुमको ओवरऑल सेशन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, इससे बेटर सेशन हो ही नहीं सकता, इसीलिए इसका नाम है गॉड और व्हाट। तो गाइज मिलते हैं तुम लोगों के साथ कल से विद द सेशन गॉड और व्हाट, ठीक है। गॉड और व्हाट सेशन के साथ हम लोग कल तुम्हारे साथ मिल रहे हैं, और कल डेफिनेटली दोनों भी क्लास है, 7 से 8 वाली क्लास भी है और 8:30 से 9:30 वाली क्लास भी है, दोनों क्लास है कल, ठीक है। तो हम लोग कल मिल रहे हैं, एक बैच फाउंडेशन की होगी, एक इंटर की होगी। बस इस वीडियो में इतना ही तुम लोगों को इन्फॉर्म करना था। कमेंट सेक्शन में भावनाएं जरूर व्यक्त करते हुए निकलना वीडियो से। मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं मिलते हैं लाइव सेशन में कल। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।